एक स्टेटिस्टिक्स बेस्ड प्रॉब्लम, समझिए कि एक बहुत ही रेयर डिसीज़ है जो 100 में से सिर्फ एक इंसान को होता है, और अनफॉर्चुनेटली किसी इंसान का उसी डिसीज़ का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है। अब वो टेस्ट के गलत होने की संभावना भी सिर्फ 10% है, तो अब आप कितने परसेंट श्योर हो सकते हो कि उस इंसान को सच में वो डिसीज हो चुका है? सुन के तो ऐसा लगता है कि आप 90% श्योर हो सकते हो कि उस इंसान को वो डिसीज सच में हो चुका है, पर अगर आप गौर करो, क्योंकि डिसीज रेयर है, 100 में से सिर्फ एक इंसान को होने वाला है, और आपके टेस्ट की एक्यूरेसी 90% है, यानी फिर भी वो 10 लोगों को गलत बता देगी, फॉल्स पॉजिटिव दे देगी कि उनको वो डिसीज हो चुका है, पर उन 10 में से एक्चुअल में सिर्फ एक इंसान को वो डिसीज होगा, यानी आपके टेस्ट की एक्चुअल एक्यूरेसी सिर्फ 10% है। इसे बेस रेट फॉलेसी या बेस रेट निगलेक्ट कहता है, कि जहां हमारा माइंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन या जनरल इंफॉर्मेशन को निगलेक्ट कर देता है और बाद में मिलने वाली इंफॉर्मेशन या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर ज़्यादा फोकस करता है। यहाँ 100 में से एक आदमी को होना, रेयर होना, ये हमारा बेस रेट था जिसे हमारा माइंड निगलेक्ट कर देता है, और बाद में मिलने वाली इंफॉर्मेशन कि हमारे टेस्ट की एक्यूरेसी तो 90% है, माइंड उसी पे फोकस करता रहता है और हमें लगने लगता है कि हमारे जो टेस्ट रिजल्ट है वो 90% एक्यूरेट होगा। और ये एनालिटिकल एरर सिर्फ एक आम इंसान से होता है ऐसा नहीं है, बड़े बड़े स्टेटिस्टिशियन से भी सेम एरर हो जाता है। और अब जब मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, फिर भी आपको ये एरर अवॉइड करना मुश्किल होगा। जैसे समझिए कि आप एक यूनिवर्सिटी में गए हो जहाँ 95% लॉ स्टूडेंट्स है और सिर्फ 5% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, और उतने में आपके सामने से आई लव प्रोग्रामिंग का टी शर्ट पहना हुआ एक स्टूडेंट गुजरता है, तो अब आप कितने श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि वो स्टूडेंट इंजीनियरिंग का था? फिर से आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप काफ़ी श्योरिटी से बोल सकते हो कि वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, पर यहाँ फिर से आप एक बेस रेट को निगलेक्ट कर रहे हो कि उस यूनिवर्सिटी में 95% तो लॉ ग्रेजुएट्स हैं। तो अगर हम आई लव प्रोग्रामिंग का टी शर्ट पहनना इसे एक टेस्ट भी मान ले कि मैक्सिमम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आई लव प्रोग्रामिंग के टी शर्ट पहनते हैं, पर अगर सिर्फ 5% भी लॉ स्टूडेंट्स के चांस है आई लव प्रोग्रामिंग का टी शर्ट पहनने का, तो आपकी श्योरिटी लेवल सीधे 50% पे आ जाती है। वैसे ये बेस रेट निकले तो हमारे स्वभाव में बाई डिफॉल्ट आता है, क्योंकि ये हमें फास्ट डिसीजन लेने में मदद करता है। पूरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बजाय अभी रिसेंटली मिली हुई इन्फॉर्मेशन या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन जो हमें ज़्यादा जानकारी दे रही है, उस पर फोकस करके माइंड क्विक डिसीजंस लेने में कामयाब हो जाता है। पर ऐसी कई सिचुएशन जहाँ एनालिटिकल अप्रोच बहुत क्रिटिकल है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम हो या कोई स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट हो, वहाँ ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि हम कहीं बेस रेट को निगलेक्ट ना कर दें। थैंक यू।